तो क्या है बेटे कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यहां से ऑरिजिनेट कर रहा है सपोज, तो ये माइनस नहीं भी हो सकता था और हो भी सकता था। तो इफ माइनस इज नॉट प्रेजेंट हियर देन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड लाइक दिस। And it will continue to move. And if minus charge is present here, then plus charge से जो electric lines of force निकल रहा है वो घूम करके minus charge पे जाके खत्म हो जाएगा। But in case of magnetic, if there is north pole, there must be a south pole. So always the electric lines, magnetic lines of force which originate from north, it will turn like this. It will turn like this. Any doubt? पता समझ में आ रहा है? Second thing, this bar magnet is made up of lots of a small bar magnet. That means if we cut a bar magnet into two pieces, it again a bar magnet. So here will be the combination of lots of bar magnet. So if here is south pole, here will be north pole. Here again south, north. ऐसे बहुत सारे बने हुए हैं। तो फील्ड लाइंस इसके अंदर भी है बेटे। देखो इसका नॉर्थ अगर ये है तो इसकी डायरेक्शन इधर से इधर होंगे। बड़ा करके समझा देते हैं। See if this is a bar magnet, this is final north and this is final south. So it can be broken into large number of bar magnet like this. Here is south pole, so then here will be north pole and here will be अगेन south north. तो जो फील्ड यहां पे इन कर चुका है बेटे यहां पर, तो यहां से फिर से फील्ड निकलेगा ना जो साउथ पे जाके खत्म होगा, यहां से फिर से फील्ड निकलेगा ना जो साउथ पे जाके खत्म होगा। और ये नॉर्थ साउथ काफी नजदीक नजदीक बने हुए हैं। दैट मीन्स कि दिस होल लाइन विल कंटिन्यू। तो इनसाइड बार मैग्नेट देयर इज इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, सॉरी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, बट हियर ये प्लस से जो ओरिजिनेट कर रहा है इधर के लिए, अरे बात समझ में, माइनस यहां पे, तो ये यहां से चला और इधर के लिए खत्म हुआ जो बाहर से आ रहा है। अंदर से अगर देखेंगे तो ये इधर से इधर जा रहा है क्योंकि इसके बीच में तो एयर है ना बेटे। इट्स अ सिस्टम व्हेन टू चार्जेस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस, तो पॉजिटिव से जितने फील्ड लाइंस निकले हैं वो माइनस पे जाके खत्म होने वाले हैं, तो जो इधर के लिए निकला है वो तो डायरेक्ट यहीं पे जाके खत्म हो जाएगा ना। जो इधर के लिए निकला है उसे यहां पे जाना है, तो ये ऐसे टर्न लेकर के फिर यहां पे आएगा। क्लियर? बट इस चीज में क्या है बेटा कि यहां से लेकर के यहां तक पूरा मीडियम प्रेजेंट है। किसका? मैग्नेटिक सब्सटेंस का। तो इट विल बी डिवाइडेड इंटू व्हाट, सो मेनी स्मॉल मैग्नेट्स। So outside it's from north to south, but inside it's from south to north. Clear a concept? These are the major differences in the magnetism and the electrostatics. There are only 2-3 differences, and these are the major differences. पहला, यहां मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यहां पर मोनोपोल एग्जिस्ट कर सकता है। यहां पे मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज फॉर्म अ क्लोज्ड लूप,
इट विल नेवर फॉर्म अ क्लोज लूप. देखो बेटे यहां से शुरू हुआ यहां पे जाके करूंगा, यहां से यहां नहीं जा सकता. वी डॉट क्लियर कॉन्सेप्ट. See, for example, magnetic field intensity due to magnetic dipole on the axial line same, that is electric field intensity due to electric dipole on the axis. क्या किया था बेटे वहां पे? First we have taken an electric dipole. यहां पे लेंगे बेटे magnetic dipole. Now this is the axial line. Any doubt? Right? This is the point where we have to calculate the magnetic field intensity. And the point is x distance away from the center. Clear? इस point का नाम थोड़ी देर के लिए P रख लो और इसका नाम Q रख लो. Good doubt? So at this point O, magnetic field intensity will be because of the north pole as well as because of the south pole. So B due to north pole, iska naam aap BP de do. That's why we have named it P and Q. So apply Coulomb's law in magnetism because we have to calculate मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू मोनोपोल. मैंने पहले बताया था इट्स थ्योरेटिकल, बट इन दिस केस वी हैव टू कैलकुलेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बाय द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू नॉर्थ एंड साउथ पोल. सो वी कैन अप्लाई हियर. क्लियर? बीपी दैट इज इक्वल टू के ए into M, that is pole strength, and as this is the bar magnet, so pole strength of this will be equal to pole strength of this is according to the definition two equal and opposite poles separated by a small distance, just like in case of electric dipole two equal and opposite charge separated by a small distance. Clear? K into M divided by this much distance. This distance will be X minus M.